गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम हैं ट्रेन में और पम्मी बैठे हैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में। फर्स्ट टाइम यार फेस पे ना ऐसे ऐसे आ रहे हैं पैचेस, कोई बात नहीं पर फेस पे पैचेस आ रहे हैं मम्मा, तो वो ट्रेन में आवाज़ ही होगी। तो ये ट्रिप पे हमें लेके जा रही है मम्मा अमृतसर। हम सारे ही जा रहे हैं और वॉइस का इशू रहेगा, वॉइस का इशू इसलिए रहेगा बिकॉज ट्रेन में तो ट्रेन की आवाज़ ही आएगी और हमें जाना कल था बट हम जा आज रहे हैं। मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल बोल दिया तो गाइज मैं अब बोल देती हूँ क्योंकि पहले मैं बोलना भूल गई। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा पम्मी। आने वाली जो हम रिटर्न जाएंगे वो तो हमारी ऐसी ट्रेन हो गई बट हाँ ये नहीं हुई। तो अब हम ऐसे ही जल्दी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि मम्मा ने एकदम बोला कि चल रहे हैं, तो मैंने कहा ओके चलो। मम्मा हैं और पुनीत है, गुन्नू है, अंशु है और एक खाने में लगे पड़े हैं मम्मा और वो भी आए हुए हैं हमारे बच्चे। अंशु तो आलू सा लग रहा है अंडर को मम्मी जब से आई है बस खाने में लगे पड़ते हैं। बस ये यार थोड़ा ना कैमरा इशू भी हो रहा है पता नहीं। बाकी चलो हम वैसे पहुँचेंगे तो रात को पहुँच के देखते हैं क्या करते हैं। बस हमने तो कुछ नहीं करा, मम्मी और मैंने नए नए कपड़े बनवाए हैं और बस हमने फिर सोचा जा रहे हैं दरबार साहब दर्शन करके फिर हम अपनी वीडियोज़ बनाएंगे और खाएंगे पिएंगे बस। हाँ जी आ जाओ, ये कुछ बोलना चाहते हैं शायद। अब आज बहुत कम आ रही होगी पता है। क्लीन करूँ ना मम्मा, बस काम में लगी पड़ी है बेचारी। मम्मी डांट रही है बच्चों को। मम्मा आप डांटते हुए भी आ रहे हो व्लॉग में। तो चलो गाइस पहुंचने का वेट करते हैं जैसे ही पहुंचते तो दिखाती हूँ मैं आपको वहीं में। देखो मम्मा, हाँ मम्मी पहली बार रेलवे स्टेशन पे आए और आज पहली बार ही ट्रेन में बैठेंगे तो इनकी एक्साइटमेंट ना मतलब ऐसी है जैसे छोटे बच्चे की होती है। और मेरे वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ तो माइंड मत करना होगी। एक्साइटमेंट मेरा फिसल गया क्योंकि बारिश हो रही है, नीचे स्लीपी हो रही है ज़मीन पर, मेरी जुबान भी स्लीपी हो गई है। चल रहे हैं ना मम्मा, यार भागो क्या मैं मम्मी जी। ये भी है दो हमारे साथ भाई जब हमारे ट्रेन का डब्बा ही नहीं मिल रहा और हमारी मम्मी का स्पीकर बंद नहीं हो रहा। पै 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 और ये गोली एक मिनट और मैं तो चलते चलते क्या कह रहे थे आप। हाँ जी क्या कह रहे थे आप। मैं कह रहा था क्या चीज़ बनाई है गाटर पे चलती है, मतलब ये लोहे की रॉड को क्या चीज़ बनाई है। तो गाइस इन्हें ये टेंशन हो रही है कि क्या पहली बार रेल में बैठा हूं थोड़े से भैया ट्रेन और मैगी रेल 4000 मजा आ रहा है रेल में। मैंने दिए थे तुमको और कुछ गदर फिल्म ना पड़ी थे कि यार ये जैसे ऐसी रेल है। मैं आऊंगी 25 के बाद ले अंदर ही बैठ जा गाड़ी चलने वाली है बेटा। ये देखो ये पहली बार ट्रेन में बैठी कितने राजी हो रहे हैं, ऊपर चढ़ गई। अब अपने ससुर से बात करके बता रहे हैं कि मैं ट्रेन में बहुत खुश हो रही हूं। बेटा साइड हो जाओ गुन्नू, ये मेरी वीडियो क्या कर रहा हूँ लाइव हो दिखाना में चल रहा हूं। तो बंद कर दो ना दिन बना दे डब्बे को। मम्मी ने यहाँ पे भी फ्रेंड्स बना लिए, इंजॉय कर लिए। बेटा वो जैसे बैग है ना उस बैग पे रख लो आपको। ये रही ये लाइव चल रही है अंशु बैग उसके ऊपर से बिल्कुल बैठ के आराम वही जगह बस क्या कह रहे हो। रेल में बैठ के पॉपकॉर्न खाने का मजा ही अलग है। कैसा मजा, क्या मजा अलग है, वही मजा है जो घर में होता है। रेल में ट्रेन में नहीं रेल की पटरी पे लेटे हो जीजा बोल पहले जीजा दूसरा पॉपकॉर्न का पैकेट उठा लेगा पर जीजा नहीं बोलेगा। कहाँ हो रेल में क्या खा रहे हो पॉपकॉर्न।
हाँ मैडम यहाँ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं अपने भाई साहब को, कोई कुछ खाने को नहीं दिला रहा बेचारों को। गाड़ी में से मिल जाएगी। इन्हें दिलाया है और हमें क्या दिलाया है? आपने मैंने ग्लास मिला है कि चल गई रेल में चॉकलेट मिल रही है किसमें? ट्रेन भैया, ट्रेन भैया तो और बुरा फील करवा रहे। रेल रेल रोमांस इन रेल भाई। सबसे ज्यादा मजे जीजा साले ले रहे हैं खाने पीने के, लगे पड़े हैं और इनकी सास भी ट्रेन में फुल एंजॉय कर रहे हैं। बोरा पीछे साला, ऊपर साली लगी बढ़िया। मम्मी गाइस देखो, पता है जो यहाँ पे ना नीचे देखो ना ट्रेन में से तो एकदम मतलब बहुत डर लगता है। देखो ये कितना दूर तक है और ऐसा हमारे यहाँ भी है। वैसे अब ये खत्म हो गया, सास और दमाद इंजॉय कर रहे हैं सब। और ये वो सर्विस लाइन लग रही है, पापा का फोन आगे लेकर ले शिकायत। अभी अभी शिकायत लगा रहे हैं अपने। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं इन्हें बैग खींचते हुए। मम्मी जी, मम्मी जी ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? मम्मी ऐसा मुंह बनाने का रीजन बता दो। व्हाट्सएप खोल ले पता लग जाए। थक गए इस पम्मी की। पहुंचते ही शॉपिंग स्टार्ट हो गई है अपने साले के साथ। आते ही है ना हमने रेस्ट करा, इन्होंने हमें मार्केटों में घुमा दिया कि चलो मार्केट दिखाओ। क्यों दिखा दो? और ये लड़का बिन फालतू का इतना बोलता है मेरा। सो गाइज एक मिनट देसी पीपल इन फाइव स्टार होटल, ये देखो इन्होंने आते ही कपड़े सुखा दिए। मम्मी इधर देखना, देसी सास, देसी दमाद, देसी लोड। ये वो छुट्टियाँ मना है ना, वो ये शरीर स्ट्रेच होता है तब आती है ना। तो ये सास अपने दमाएंगी जी क्या कर रही है? मैंने भी क्या बोला, शरीर स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच मेरे पापा की बनाऊं। शरीर स्ट्रेच हो रहा है। क्या कर रहा है आपने ये जगह जगह? मम्मी भी ऐसा, ये कपड़े क्यों सुखाए हैं आपने? कच्चे बच्चे सुखा दिए। कोई बात नहीं, हमारा कपड़ा हम लोगों ने करे। तो गाइस इन्होंने ऐसे कपड़े सुखा दिए। ये तो सही है, ये अच्छा तो सही है। ये मेरा है। और मम्मी ये तेरे को नहीं आने वाला? मम्मी 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 देख है। और ये देखो ये गरीब बच्चे हैं, बेड पे कूद रहे हैं। ये दे नीचे, ये कंधे ही तोड़ देंगे। मैं यहाँ पे नहाने के लिए लड़ाई हो रही है कि पहले कौन नहाए। मम्मी कह रही है तू ना, कोई वो ना। मम्मी घुस गए नहाने। ये दो गरीब बच्चे खड़े हैं, ये वहाँ पे अपने आईडीज़ अपने पैसे इस्तेमाल किए, लग पे सुखा दिए। देसी पीपल मैं ये भी ठंडा पानी है, मैं तो नहाऊँ भी नहाऊँ फिर। आपके सूट पे क्या लग गया पीछे ब्लैक? ये ट्रेन में ही आपने कुछ लगाया आपने? सारे में आपके कपड़े लाने का क्या मतलब? कौन लाया ये? मैं लाई हूँ पर शर्ट नहीं लाई है। तो ये किसका है सूट? तेरा। मेरे तीन बनवा दिए क्या? हाँ। तो फिर इसकी जब शर्ट नहीं है तो क्यों लाए? मैंने ये रखा शर्ट, ये छोड़ा है उसके यहाँ टेलर ने किया। मैं क्या कर सकती हूँ? ये वाईफाई के लिए लड़ रहे हैं। इधर आ,
चुप क्यों करूँ, कुछ सरप्राइज नहीं मिले तो मिले ही नहीं, दुकानें बंद थी, आज बारिश नहीं थी। तो गाइस अभी पम्मी बाथरूम में बंद हो गए थे, वो हम शूट नहीं कर पाए, वरना शूट करते तो मजा आता। बड़े 200 रुपए दे के मुझे धरने को दिए, लो आप धर लो, सो तू संभाल ले, सो मैं संभाल ले, मेरे पास में तब इन्हें सस्ते में ले सकते हो। अरे वो दे दे नीला बैग और किसी गद्दे पे रख, पहले 200 रुपए तो संभाल ले, वो तेल हो रहा है बैग, कोई भी घर मत दियो, फिर मत कहियो मुझे बताया नहीं था उसमें तेल निकल रहा है। यहाँ बैठे बैठे बस ऑर्डर चला दूंगी, क्रीम भी लगाओ, अब रातों को कौन क्रीम देख रहा है, खुशबू की चीज लगानी, खुशबू की नहीं है ये, इनकी है आई बड़ी मम्मी, खुशबू की क्रीम है ये, खुशबू कौन है? अरे मतलब स्मेल वाली, ये बेटे माँ देगा कहीं, ये कम में हो गया तो गाइस कशिश ने अपनी पैरों की वैक्सिंग करी है फर्स्ट टाइम, वो भी रेजर मार दिया और फटी हुई टी शर्ट पहन के अपना चल रही है। नहीं मेरे तो नए नए सूट बने हैं, मम्मी ने बनवाए ये रहे आने के लिए, एक ये रहा, दोनों पहने सेम के पहन लेना, ये ऐसे क्यों, ये दोनों मेरे ये क्यों पहने, अरे ऐसा सेम लाइए, तो ये देखो मोमोज आ गए, नहीं खाए खाए नहा लिया, नहाने से क्या लेना देना, तो बोलो जल्दी, अफगानी चाप है उस पे, चार तरह की चाप है, पनीर के क्यों ले रहा है, मोमोज से तो खुशबू आ रही है, ठीक लग रहे हैं मम्मा, इसको नॉर्मल वियर के लिए तो चाहिए, वैसे तो शूज पहने के लिए अच्छी चप्पल, बताओ कौन सी खानी, मसाला चाप, अफगानी चाप, बोतल, बहुत सारी, चार तरह की, मम्मी चाप बहुत अच्छी बनाते हैं, वैसे ही नहीं होती, दूध सूखी ऐसे निपटवा खाने में उससे बनाते हैं, खाओ भाई, मम्मी चाप आता है, नाच रही है, सो गाइस अब जस्ट हम अमृतसर आ गए हैं एंड सब नहा के अब थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने खाने पीने आए हैं एंड सब नहा के फ्रेश वगैरह होके, गाइस नाइट सूट में सबकी चल रही है पार्टी बाहर, एंड दिस इज मी, सास अपने दामाद को बता रही है क्या चीज कहाँ पे, बता रही है बेटा ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ पे हम कॉफी पीते हैं, गणेश भाई ये गोरे गोरे गाल, गणेश जी काले की साइड ले रहे हैं खड़े होते, पता नहीं इनकी कौन सी सीक्रेट बातें चल रही हैं, मुझे तो पता नहीं, बता नहीं रहे, इनकी पता नहीं कौन सी सीक्रेट बातें चलती रहती हैं हर जगह। तो गाइस हम अभी आए हैं मम्मा के साथ, मेरी नई चप्पल दिखा दे प्लीज, इसने नई चप्पल ली है, इसने भी हट जा, और बताऊं ये सास अपने दामाद को समझाते हुए यहाँ पे क्या, तो उनका काम है, तुम उठो ना उठो, वो चार बजे तुम्हारे दरवाजे पर ठक ठक मार के, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी जान, और ये बेकार और आपको लोकेशन देखनी है तो मुझे फ्रंट कैमरा से ही दिखानी पड़ेगी, बिकॉज मैंने बैक कैमरा ऑफ कर रखा,
मेरे मम्मी पागल, ये भी मम्मा, अब इनको शॉपिंग करने का चल रहा है। चलो ये सारी मार्केट लगी होगी ना बेटा, तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट मतलब सारी मार्केट बंद हो चुकी है, वरना यहाँ पे जब ये सारी शॉप्स खुली होती है ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे सफाई होती है, ये देखो। अभी तो वैसे ये सारी शॉप्स बंद है, बट जब ये ओपन होती ना तो पता है यहाँ पे कितना कितना रश होता है। गुनू हट जा, तू अब सारे व्लॉग में आएगी। ये मम्मी जान पूछ के आगे चल रही है कि ये पूरे व्लॉग में आए। तो ये जितनी सारी मार्केट है ना अभी, मतलब ज़्यादातर शॉप्स बंद हैं, और यहाँ पे आम पापड़ बहुत मिलता है। हाँ जी मम्मा, चश्मा दिला दो। मैं कैसे इंजॉय कर रही है भाई, मैंने पहली नज़र में ही पसंद करा था ये मेरा है मम्मी, और यही अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, ऐसे ही सेम एक और ले लो, मेरा तो यही है। अब ये देखो ये सारे चश्मे ही ले लो, तो ले ले ब्राउन में, ले ले क्या हो गया, न्यू दिखा, न्यू यूं कैसे दिखाऊं, अच्छा फ्रंट कैमरा से दिखाऊं, वो देखो जी, वो देखो जी, साले साहब भी अभी मैया, तू तो ऐसा लग रहा हीरो, सॉफ्टी टाइम घूमने फिरने का टाइम है, थक हार के बैठे हैं बेचारे। पुनीत, प्रेरणा, पम्मी, अंशु, मम्मी और बोलने वाली मैं और मेरी न्यू चप्पल। सो गाइस, सबवे से प्रेरणा का हो चुका है पेट पूजा, अब चले हम रूम की तरफ। और ये मेरा ये बस प्रेरणा का बटर स्कॉच गोलगप्पा टाइम। इन दोनों का अपना अलग ही चलता है, चलता चलता। क्या हो गया भैया को, चढ़ गई यहाँ पे, भैया ने आते ही चढ़ा लिया पौवा। जय बाबा की। मम्मी बोलो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइबर करो, सब्सक्राइबर करो। ये चल कैसे रहे हैं, वो नहीं करते, देख मैं चलो कैसे, जय बाबा की, लाइक करो, बोलो। गाइस मेरी न्यू चप्पल। गाइस हम आ चुके हैं रूम पे वापस, और क्या कहते हैं, थक गए, और मम्मा और पुनीत गए हैं मैगी लेने इनके लिए और मेरे लिए, क्योंकि आप अभी तो ज़्यादा इनकी ही चल रही है, जो ये बोल देते हैं वही आ जाता है। और हम अभी तक घूम के आए, पूरा राउंड लगा के थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत दिन से व्लॉग ना बना रहे ना, अब ऐसे ऐसे व्लॉग बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे व्लॉग बनाएंगे ना, मजा आ रहा है आपको, आप पहली बार पंजाब साइड आए हो, कैसे लग रहा है आपको? पहले तो भाई रेल में बैठ के इतना मजा आया ना, और बताओ, चलो आपका इंटरव्यू चल रहा है, बताओ। अरे पहली बार रेल में बैठा ना, मम्मी जी ट्रेन, रेल हो गया, ओके रेल, भाई फैन ऑन कर दियो आके, हां रेल स्वाद ही आगा कति भाई, जो बात है रेल में बैठ के मजा आया। अभी तो हम सिटिंग में आए थे, जाते हुए हमारी स्लीपर है एसी वाली, तब तो इन्हें और अच्छा लगेगा, बिकॉज ये ट्रेन में कभी बैठे नहीं, इनका फर्स्ट टाइम है, और हमें आती हुई ना हमें टिकट मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि हम एकदम जल्दी में निकले तो हमें टिकट नहीं मिल रही थी, तो हमें जो मिली हम उसी में आ गए, क्योंकि 5-6 घंटे का ही था, दिल्ली से अमृतसर इतना दूर नहीं। कल तुम्हें जलियांवाला बाग दिखाते मगर वो बंद पड़ा है, तो कल हम वहाँ हम जाएंगे हवेली, जो कि अमृतसर में एक हवेली है, बहुत रीजनेबल वहाँ का रेट है, अगर आप भी आओ तो ज़रूर वहाँ पे विजिट करना, वहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, 2 टाइम फूड है जो कि फ्री है, बस एक 700 रुपये का बैंड होता है जिसमें आप अंदर झूले हैं और बहुत सारे शोज होते हैं, स्टेज शोज होते हैं। भाई लाइट ऑन कर दे, अभी हम व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने अंदर मतलब ढोल वोल और साग मक्के की रोटी, भैंस वैंस सब रख रखी है, मैं पहले भी आई थी अपने मम्मी के साथ, हाँ भैंस, क्यों पंजाबी भैंस नहीं रखते, वो भी रखते हैं, नकली वाली, असली भी है नकली भी है, नकली जैसे फोटोशूट करानी और असली, असली से बात करें तो असली, तो जैसे कि मतलब वहाँ पे ना टोटल वसूली है, मतलब अगर आप जाते हो 700 रुपये की एक टिकट से, प्रॉपर ऐसा है कि हाँ आपका पूरा दिन इन्जॉय हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो जा चुकी हूँ, मैं बहुत बार आई हूँ अमृतसर, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत आती है अमृतसर, जैसे कि पता ही है आप लोगों को मेरी मम्मा पंजाबन है, तो मम्मा अमृतसर आती आती रहती है, तो मैं मम्मी के साथ हमेशा आती हूँ, ये फर्स्ट टाइम है, तो हम बस इनके लिए आए हैं सारे, क्योंकि हम सब घूमे हुए हैं, पुनीत और पम्मी जी ये दोनों पहली बार आए हैं,
क्यों? क्या है मेरे ब्लू वाले बैग में? रुक जाओ ना, क्या है? रुक तो सही। नो काट दे। तो काट क्या दूं? तो ये काट दे। और मैं अब बस इतना ही बताने वाले थे। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी क्योंकि मैं बता रही थी मम्मा मेरी पंजाबन है बहुत। मैंने एक दो बार अपने मतलब इंस्टा पे डीएम देखे हैं, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि प्रेरणा दी आप गुरुद्वारे क्यों जाते हो, तो मेरी जो मम्मा है, तो मेरी मम्मा, मेरे नानू नानी, वो लोग पंजाबी फैमिली हैं और मेरे पापा पंडित हैं, बट उन दोनों की अरेंज मैरिज है। मैं थप्पड़ मार दूंगी यार इसको, देख लो व्लॉग के बीच में पंगे ले रहा है कुत्ता। हाँ, इसमें पूरे में दूध भर रही है। हाँ, तो ये दूध ही लेने तो जा रहे हैं आपके लिए। दूध की कमी है यहाँ पे, गुरुद्वारे में फ्री है सेवा। भर लाओ दो, सुनना, एक जग भी भर लाइयो, मैं भी पीऊंगी। तो गाइस, ये है कि मेरी मम्मा प्रॉपर पंजाबन थी और मेरे डैडी पंडित थे और मेरे पापा और दादू काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, तो इसलिए उन्होंने मतलब सोचा अपने बेटे बेटे की शादी करा दें। तो इसलिए कुछ लोग जो बंद करो भाई, ये बंद कर दियो गाने। तो जो कुछ लोग हैं जो मुझे मतलब हमारे यहाँ नियर के हैं, जिन्हें लगता है कि मैं पंजाबन हूँ, तो उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि मेरी मम्मा पंजाबन है और जो हमारे नियर के लोग हैं वो मेरी मम्मा को पंजाबन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, सो ये था मेरा पंजाबन और पंडित जो दोनों का पहले का था मिक्स, मैं वो आप लोगों को बता रही थी बस, क्योंकि बहुत सारे डीएम जाते हैं इसलिए मैंने बता दिया। मैं बोल रही हूँ ना यार, ये लोग कभी व्लॉग नहीं बनाने देंगे। चुप ना, हमारे दो मिनट बीच में बोलने दे। हाँ, ये लो इसे कूदते हुए देख लो। ले, मैं कूद के दिखाऊंगा। अब क्या है, अब ये भी जाएंगे। जाओ भैया, इन दोनों मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। भाई भैया, इन्होंने तो गाइस, ये लोग तो पागल है। चलो बाय बाय, इनकी मस्ती दिखाऊंगी मैं आप लोगों को बाद में। टाइम हो रहा है 1:40 रात के, देख सकते हो आप। वेट, ये देखो भैया कौन आ गए। ये देखो 1:40, तुम्हें ही दिखा रही थी। और इनका चल रहा है लूडो मैच, सोने का कोई वो नहीं। सांस और मार मिल गई, खेल रहे लग रहा है। ये बेटा आई उन्नु, उन्नु देख, निशी के पर्स से ना, उन्नु करेंगे ऐसे। किसी ने निशी के बैग में से ना एक के जुआली ली ली। चल कितनी तेज है गुन्नु तू, तेरी औकात कैसे हुई? वो मिलने लाया था, मम्मी व्लॉग बन रहा है। अपुन भाई लोग है, भाई लोग की तरह रहना मांगता। भाई मेरे को तो नींद आ रही है भाई, लाइट डिम कर दो जी। हम सो रहे हैं, लाइट बंद कर दो जा तू। हम यहाँ पागल हैं तो तुम फोन में खेल रहे हो ना कि किताब में? लाइट बंद करके बनता है। हाँ बनता है भाई, तू बंद कर लाइट। अंशु आप लाइट बंद करो, मेरे यही बैठ जाइयो, चाहे नीचे गद्दे पे चढ़ जा, पर वो कर दे जान। ये भाई को वहां से करना, एसी ने बहुत ये वाले में ठंडा। देखो ब्रो, डिम लाइट्स। हां बस, दैट्स डिम लाइट्स। पीछे शीशे पे दिखाना लाइट्स। इसी वाली लाइट ऑन रखी हमने, बाकी सब बंद कर दी क्योंकि लोग तो पागल है, रात हो जा गई। अंशु जा रहा है अब अपनी पबजी खेलने। नहीं नहीं, ऐसा कोई ऑनलाइन नहीं होगा। अच्छा, मैं जा रही हूं सोने। बाय बाय। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सब नहा के रेडी हैं, बस एक मम्मी को छोड़ के, एक इसको छोड़ के, ये नहाए हुए बच्चे और ये मैं भी नहा ली हूँ। और प्रेरणा नहाने गई हुई है, ये भी नहा ली, ये भी नहा ली है, बस अब नहा धो के तैयार हो उसके बाद बाहर। और गाइस मेरे न्यू सूट, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही।
अपने आप को देख लू, तुम ही खा लो। मम्मी आपका इंटरव्यू किया जाता है, आप किस बच्चे से ज्यादा दुखी हुई हो? मैं एक ही है, पम्मी से। अच्छा यहाँ के बताओ, यहाँ के बताओ कैसे गाइस, क्योंकि ये अजीब जानवर है, जितना खाए भूखा ही रहता है और ऊपर से इरिटेट कर देता है बंदे को हंस हंस के। मैं सोचती थी दुनिया में अंशु ही एकमात्र ऐसा इंसान है जिससे लोग इरिटेट होते हैं। अच्छा, तो मैं लकी मानती हूँ खुद को कि मेरी सही मम्मी है। हाँ, दूसरा भी है कोई मौसम में तमीज में हो जाएगा थोड़ा ना, ठीक है? इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता मम्मी, तुम बहुत दुखी कर रहे हो। छुआरे ओए मम्मी, यार देख लो इन लोगों ने तो बदतमीजी उठा रखी है यार इसका। मम्मी यार आप बस अब बदतमीजी यार, मम्मी ने तो सबको सीरियसली पहली बार बाहर आए हैं बहुत दुखी कर दिया, आगे से मम्मी लाएंगी भी नहीं। और गुन्नू और मैंने सेम पहना है, पर वो वहां बैठ गई आके दिखाती तो मैं आ जाऊंगी। इसमें भी मेरी कोई बात और कुछ लाया जाए? हटाई दिया, हटाई दिया मैंने कहा। सो गाइस वी ऑल आर रेडी, और मैं भी बस मम्मी मम्मी रह गई है बस। अब मम्मी तैयार हो जाए उसके बाद हम सब मिरर में आ जाऊंगी। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है, मम्मी अच्छी लग रही हूँ। मम्मा और मैं बैठे हैं यहाँ के, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पानी भी भरा हुआ है, तो इसलिए अभी हम दरबार गए हैं। हम जाएंगे फिर जब बारिश ख़त्म हो जाएगी। देखो ये देखो, यहाँ पे दिल्ली से भी ज़्यादा पानी भर गया। अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ खाने, उसके बाद कहीं को आ जाते हैं। बारिश थी तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं हो रहा कुछ। वो फोन बारिश में भी काम करता है, फोन तो करता है ना, पर अंदर से मैंने दिखाया तेज बोलने का, मेरे गला बैठ गया। देखो झूली हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, यात्रा पे निकल गए हैं। रोड गति सुनसान पड़े है, बारिश हो रही है धड़ाके की, और इधर देख लो पीछे कैटरीना कैफ बैठे चश्मे लगाया गए बारिश में भी। इन्हें तार ले, अरे तार ले इन्हें। मम्मी भी दिखा दो, और ये पीछे राज बैठी है। सो गाइस, सो अब हम आए हैं यहाँ, गाइस बारिश हो रही है, बट फिर भी अब आए हैं तो बारिश कहाँ देखी जाएगी, लगे पड़े हैं हम तो घूमने फिरने में। ब्रेकफास्ट तो सुबह से मिला नहीं, सो अब यहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर। गाइस दिस इज नेक्स्ट लोकेशन, एंड बारिश हो रही है, ये बच्चे बच्चे भग रहे हैं इधर उधर। गाइस वैसे तो सब ठीक है, बट बस बारिश अच्छी लाजी प्रेसिंग वैसिंग करके आए थे सब कैसे सुनती। और इन दोनों ने तो भैया हमारी आत्मा ही भगती, बहुत दुखी कर रखे हैं हम दोनों ने। इन्होंने जब कुछ टाइम जा रहा है, इन्हें कहीं रास्ते में उतार के हम जाने वाले हैं। इसे पुलिस को, इसे भी करन चुके हैं।
एक वो बैठे देखो शरीफ बच्चा आज इतना शांत आज बहुत शांत बैठा है। कहीं तो रुक रही है कहीं हो रही है बट हो ही रही है ज्यादा। बहुत पानी भरा हुआ है तो आधा तो रूमल्स पे नहीं मारे बारिश की वजह से, वरना नियर नियर में यहाँ से जो मतलब हम कुछ जा सकते हैं अमृतसर में मतलब पैदल जाके घूम सकते हैं जिंदा हो, बट बारिश की वजह से ना वहाँ भी नहीं जा पा रहे। ये गेट है बहुत पुराना गाइस, इसका गुरुद्वारे का नाम है तरन ताल। वो देखो तरन ताल अमृतसर में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं तो हम तो यहाँ सब पहले ऑलरेडी आए हुए हैं, बट मम्मी स्पेशली पम्मी के लिए आई है कि पम्मी नहीं आए हुए ना पहले यहाँ पे, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे गुरुद्वारे हैं, बहुत प्यारे प्यारे। हम तो मम्मी के साथ आ ही रहे हैं मतलब 8-9 सालों से, तो हमने सारे गुरुद्वारे देखे हुए ऑलरेडी पहले, बस पम्मी आए हैं फर्स्ट टाइम, इन्होंने देखे हैं आज पहली बार। ये लोग पम्मी मतलब इस साइड ही पहली बार आए हैं, मतलब पैर दुख रहे हैं हमारे चल चल के, पर पम्मी को घूमना पसंद है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं चलो चलो। गुन्नू भी थक गई है, वो देखो आंबिया तोड़ रहे हैं चोर। मम्मी वीडियो में पकड़ी गई है कच्ची आम। ज़्यादा दुखी कर रहे हो अब। मैं दुखी कर दिया, मम्मी भी इरिटेट हो गई है मम्मी से। मम्मी ये लो बता रहा हूँ यार, इतनी ग्रीनरी अब बना रहे यार, क्या हो गया मम्मी से बोलती मम्मी बता दो यार, क्या क्या बताऊँ मम्मी के बारे में, कैसा लग रहा है आपको मम्मी को अपने साथ लाके? ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत की, ऐसा तो नहीं लग रहा, पर हाँ ये लग रहा है अगली बार मिलाऊंगी। ऐसा भी नहीं लग रहा, कैसा लग रहा है कुछ आएगा बारिश की बारिश होगी, मम्मी बताओ ना कैसा लग रहा है? कैसा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा थक गए हैं बच्चे, कहीं उतर नहीं रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। सुबह से मैंने बच्चों को कुछ खिलाया नहीं है, ऐसे ही खाली पेट घुमा रही हूं। बेटा यहाँ पे लंगर मिलता है, यहाँ हर जगह इनको लंगर खाना नहीं है, तो देखो देखो पंछी दो दो घर पे, ठीक है मैं क्या करूँ। चक्कर आ रहे हैं सबसे ज्यादा तंग करने वाले लोग, ज्यादा शैतान करने
गाइस बेचारे थक चुके हैं और देखो कैसे चौमिन खा रहे हैं क्योंकि इन्हें डोमिनोज मैकडी अभी कहीं मिले नहीं है तो चौमिन चल रही है ऐसे नहीं यहाँ स्प्रिंग रोल चल रहे हैं मम्मी से थम्स अप मांगो वो थम्स अप मांग रहा है बेचारा बच्चा मैंने दो तीन घूंट पिया है बस चौमिन चल रही है वो भी भैया की रेडी से और बहुत टेस्टी बना रहे हैं भैया चौमिन तो ऐसे पांचवी छठी प्लेट ले चुके हैं लोग डर के आगे जीते बचपन का प्यार मैं ना भूल मत जाना रे गाइस बात ही हुई थी कि हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आएंगे मतलब बाहर घूमने जाएंगे फिर से और बात हुई थी घूमने की चरता देव का फिर चलने लगे ये लगे पड़े और कुछ नो सासू माँ लगी है दमाद के लिए पाव भाजी देने में ये रे न्यूज ले लो गाइस ये है ये हर चीज़ में बीच में नहीं करो मस्ती तो ये है मेन गुरुद्वारा अमृतसर में गोल्डन टेंपल फुल व्यू बहुत भीड़ है यहाँ पे ये पापा है वीडियो कॉल पे ये रे पापा आए नहीं है तो इसलिए पापा वीडियो कॉल पे हैं भाई बहुत सुंदर है अंदर से भी और बाहर से भी तो गाइस हम आ गए हैं आप इस रूम पे ये रही मम्मी एसी का बटन ऑन करो और आज हम घूम घूम के थक चुके हैं और आज का व्लॉग हम करते हैं यही पेंड कल हम नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे तो अमृतसर के जो व्लॉग्स हैं वो कुछ पार्ट्स में आएंगे ए बदतमीज बच्चों भी रुक जाओ कपड़े बदलने लगे तो गाइस हम मैं क्या कह रही थी तो इस व्लॉग का होता है यहीं पे एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा बुरा इस बार ये भी बता देना एंड ये देखो बॉडी बिल्डर्स कपड़े बदल रहे हैं पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहे हैं इनपे आ नहीं रही मम्मी जी थोड़ी सी पंजाबी बोलना बैठ के बोलो पंजाबी बोलो थोड़ी सी बोलो ना बोलो जल्दी थोड़ी सी बोलो थोड़ी बहुत जो आती है सानू इतना मारूंगा सानू को खुद को ही हो गया सानू मतलब खुद को सानू इतना मारूंगा तो ठीक है गाइस इस व्लॉग का करते हैं इसी के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना कमेंट में जरूर बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा बुरा और नेक्स्ट व्लॉग भी मैं जल्दी ही डालूंगी अमृतसर का ही पार्ट टू ये पार्ट वन है और आज डेट है 20 मोटे पेट दिख रहा है पेटल इनका अपना एंजॉयमेंट खत्म नहीं हो रहा ये लगे पड़े ये कपड़े चेंज करने के फिर आज रुक जाओ हाँ मम्मी मम्मी चलो बाय मम्मी से करेंगे ये पंगे हाँ बढ़िया तो मम्मी इतना पागल है सबको दुखी कर रहे हैं हाँ जी बाय बाय कर दो मम्मी बाय बाय कर दो मम्मी पम्मी बाय बाय कर दो बाय बाय रोम रोम मजा आ रहा है पूरा कैसा लग रहा है आपको यहाँ के पूरा मजा आ रहा है सुबह से घूम रहे मम्मी के साथ हम तो गाड़ी में ही बैठे हुए थे ओए रुक जाओ बंद कर बंद क्या करो तुझे व्यूज नहीं दिख रहे मुझे तो दिख रहे थे भाई अब दिख रहे हैं आप बीच में चले गए थे ये एक और आगे पता नहीं यार इंस्टाग्राम में ही ना कुछ मतलब हो रहा है तो गाइस चलो बाय बाय तो गाइस टेक केयर बी सेफ बी हैप्पी और अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ भी पूछना हो या आपको आना हो या फिर कोई भी चीज पूछनी हो तो मुझे तो सब पता है
तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी होप आप सबको पता ही होगी। पेटल फिर से खाने लग गए, तो ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी जरूर दबा देना, और पमेला डा को फॉलो करो, और बेल आइकन इसलिए दबा देना ताकि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आए सबसे पहले आपको अपडेट मिले। थैंक यू।